हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो ट्राइबोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। तो यूनिट वन और यूनिट टू जो आरजीपीवी का के अकॉर्डिंग जो है, आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, यूनिट वन यूनिट टू, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। किसी भी एक ग्रुप में आप ऐड हो जाइए जिसमें हम क्लोजली डिस्कस कर सकें हर मैटर पे। नोट्स वगैरह कुछ मेरे पास जो है वो अवेलेबल करा सकता हूँ, करा दूंगा वहाँ पे। और काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो जितने नोट्स वगैरह हैं वो सब मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ उस पर। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सब वहाँ पे हम करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और नोट्स जो अभी लेटेस्ट हैं, जैसे ट्रेबोलॉजी और मेंटेनेंस मैनेजमेंट के नोट्स, हर एक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड हैं, तो वहाँ पे जाकर आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन जनरली ट्राइबोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे ही पूरा यूनिट बेस्ड है, कि व्हाट इज ट्राइबोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबोलॉजी, ये सब पे ही पूरा यूनिट बेस्ड है। ठीक है, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन मैंने इस यूनिट से उठाया है जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है कंपेयर टू एग्जाम्स। ठीक है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ये ओवरऑल 5 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, न्यू सिलेबस है, काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, बट मुझे लगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन से 5 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है डिस्कस ट्रिबोलॉजी इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में जितने ट्रिबोलॉजी कहाँ का मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड, सरफेस से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रेसेस से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, कहाँ कहाँ इंजीनियरिंग में हम ट्रिबोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है लंबा चौड़ा। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस हिस्ट्री ऑफ ट्रिबोलॉजी। तो ट्रिबोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, वो सब आपको डिटेल में लिखना है। तो अगर आप यूनिट स्टार्ट किए होगे पढ़ना, तो काफ़ी बड़ा ये टॉपिक होगा, तो रट लेना पूरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सरफेस ट्रिबोलॉजी। तो सरफेस ट्रिबोलॉजी क्या होता है और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिकेशन है इसका, क्लियर। तो ये हमारा ये क्वेश्चन टू। क्वेश्चन थ्री हमारा एक्सप्लेन सरफेस कॉन्टैक्ट। तो सरफेस कॉन्टैक्ट क्या होता है एक्सप्लेन करना है, इन विच आपको फिर ये तीन भी इंपॉर्टेंट है, सरफेस फटीग, क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट जब आप एक्सप्लेन करो बता देना उसमें सरफेस कांटेक्ट क्या होता है। जब वन एक बॉडी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में जब फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, ये सब पूरा लिखना है। उसके बाद सरफेस फटीग क्या होता है, क्रीप क्या होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रैक्चर मैकेनिक्स। तो ट्रिबोलॉजी में फ्रैक्चर मैकेनिक्स क्या है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स मीन्स ये क्रैक कब सरफेस पे बनता है, क्रैक को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कास्टिंग के टाइम पे जो क्रैक बनता है या फिर नॉर्मली टूटते हैं, ये सब आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मटेरियल इज चूज इन ट्रिबोलॉजी। तो ट्रिबोलॉजी के लिए कैसे मटेरियल जो आप चूज करते हैं वो कैसे चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इतनी होनी चाहिए, स्ट्रेस रिडक्शन इतनी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए, इसकी कंपेयर में हम ऐसे क्या क्या कैटेगरी में चूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में मैंने ये 2 दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आप हल्का सा देख लेना, क्योंकि ऑप्शनल में मैंने सिर्फ दिया कि आप इजिली बस एक बार देख लोगे तो आप लिख लोगे, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो ये आप पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से, व्हाट इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, व्हाट इज प्लास्टिक बिहेवियर, तो इलास्टिक स्टार्टिंग कैसे करना, अगर आ गया तो इलास्टिसिटी क्या होता है मटेरियल, इलास्टिसिटी क्या होता है वो लिख देना मटेरियल में, ठीक है, कब इलास्टिसिटी कैसे एक्ट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन बनता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये सब प्लास्टिक में कैसे बिहेव करता है मटेरियल, ये सब आपको करना है। और व्हाट इज रेसिड्यूअल स्ट्रेस, तो एक बार इसको भी देख लेना। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से है। नाउ यूनिट टू। यूनिट टू में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को दिखा, जहां तक लगा कि ये हो सकता है बनेगा तो यही चांस है, अदरवाइज देखते हैं अब एग्जाम्स में क्या फंस रहा है, क्योंकि नया सिलेबस है, काफ़ी कुछ नया इसका पेपर आज तक नहीं बना है, काफ़ी मुश्किल मुझे भी हुआ इंपॉर्टेंट ढूंढने में, इसलिए मैं ये वीडियो इतना लेट अपलोड कर रहा हूँ।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट टू का. यूनिट टू पूरा फ्रिक्शन पे बेस है, ठीक है. पूरा यूनिट वन फ्रिक्शन पे बेस है, बोलते इस यूनिट का नाम ही अपरा किलो फ्रिक्शन थ्योरी ऐसे रिलेटेड, ठीक है. डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स लॉज. फ्रिक्शन क्या होता है आप डिफाइन कर ही सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. कौन कौन से लॉज हैं ये थोड़ा सा नया है, तो ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ एडिशन एब्रेशन. तो व्हाट इज एडिशन एंड व्हाट इज एब्रेशन, इसकी कौन कौन सी थ्योरी है. मीन्स व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एडिशन, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एब्रेशन, ये आपको लिखना है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है. तो इंटरफेस टेम्परेचर क्या होता है, हाउ इट्स मेजर. तो ध्यान देना, पहली बात आप पढ़ रहे हो फ्रिक्शन यूनिट, तो इंटरफेस टेम्परेचर की बात हो रहा है. मीन्स फ्रिक्शन जब हो रहा है दो बॉडी के बीच में, तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डेवलपमेंट जब होता है कभी कभी, तो वो है ये एक्चुअली, ठीक है. और इसको कौन कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, तो दो चार डिवाइस हैं, तो एक आग दो का थोड़ा अच्छे से डिटेल पढ़ लेना डायग्राम बना के छापने के लिए, ठीक है. फोर्थ है हमारा व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैकेनिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन में मॉलिक्यूलर मैकेनिकल थ्योरी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस. तो जनरली मैंने इंक्लाइंड सरफेस इसलिए लिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस इसलिए नहीं लिया, या पिन पॉइंट पे इसलिए नहीं लिया, क्योंकि ये कॉमनली है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे. हॉरिजॉन्टल लगाया तो भाई जीरो, वर्टिकल लगा तो साइन, ठीक है. इंक्लाइंड है तो फिर कॉस, तो इंक्लाइंड थोड़ा टफ है इसका, इसलिए मैंने ये लिया. बट आप एक बार थोड़ा सा देख लेना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और पिन पॉइंट का, क्योंकि ये आप देखते ही क्लिक कर जाओगे, क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हो, ठीक है. मेन प्रॉब्लम होती है थोड़ी सरफेस अगर इंक्लाइंड है इन दैट केस, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना. सिक्स क्वेश्चन है हमारा हाउ टू डिजाइन फ्रिक्शन डिवाइसेस. तो फ्रिक्शन डिवाइसेस कैसे डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हब हो गया, बियरिंग हो गया, रोलर बियरिंग हो गया, स्लाइडिंग बियरिंग हो गया, ये सब, ठीक है. एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल. तो कोई एक को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देना. फॉर एग्जाम्पल आप किसी बियरिंग को, फ्रिक्शनलेस बियरिंग को एक्सप्लेन कर देना कि ये बियरिंग कैसे काम करता है, रोलर बियरिंग समझ लेना, फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, ये सब डिजाइन कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव देयर फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है इस बियरिंग में, ये सब. जर्नल बियरिंग लिख देना यार उसमें, लुब्रिकेशन वगैरह सब, ठीक है. शॉर्ट नोट है हमारा स्टिक स्लिप प्रोसेस क्या होता है एंड रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन तो आप लिख ही सकते हो, एक नया टर्म है स्टिक स्लिप प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना. इसका एक डायग्राम भी है स्टिक स्लिप का, स्लिप का, ठीक है. तो एक बार आप थोड़ा इस पे गौर करना है स्टिक स्लिप प्रोसेस पे, ठीक है. बाकी तो कम चांस है, ठीक है. तो यूनिट वन यूनिट टू मैंने यहाँ कवर किया, कुछ देर बाद मैं बाकी के तीन यूनिट भी कवर कर दूंगा. तब तक के लिए थैंक यू. एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले. और लाइक जरूर करना और कमेंट्स करके बताना कैसा लगा, कोई टर्म्स कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें, और कुछ भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है. थैंक यू. और लाइक तो कर ही दो भाई, लाइक तो चाहिए मुझे, मोटिवेशन मिलता है भाई लोग.